नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन उसके बारे में गहरी जानकारी ना होने के कारण हम उसके फायदों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। कच्चा प्याज खाना किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है, और न सिर्फ फायदेमंद बल्कि ऐसे फायदे आपको आज की इस वीडियो में बताए जा रहे हैं जो आज से पहले यकीनन आपने नहीं सुने होंगे। दोस्तों, प्याज काटना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन प्याज से होने वाली इस कठिनाई को अगर भूल जाएं तो प्याज सेहत और खूबसूरती का खजाना होता है। प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी पाए जाते हैं। प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, B6, बी कॉम्प्लेक्स और सी भी पाया जाता है। प्याज में आयरन, फोलेट, पोटेशियम जैसे खनिज भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, कच्चे प्याज को इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग इसे सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों को यह पिज्जा में पसंद होता है, तो कुछ को अचार के तौर पर अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप जानते हैं प्याज के उन अनमोल फायदों के बारे में जो शायद 99% लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आज के समय में बहुत लोगों को गठिया का दर्द होता है और लोग हजारों रुपए की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन गठिया का सबसे सस्ता उपचार आपके घर में ही मौजूद है। जी हां दोस्तों, सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करें। एक महीने लगातार अगर आप इस मालिश को करते हैं तो आपका दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा यह झड़ते बालों को रोकता है। दोस्तों, खराब खान पान और बिगड़ती जीवन शैली की वजह से बालों का झड़ना एक आम बात सी हो गई है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्याज बहुत ही लाभकारी और बेनिफिशियल होता है। कच्चे प्याज को काटकर उसे सिर पर रगड़ने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है, या फिर रोजाना प्याज के रसों से बालों की मालिश करने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगना भी आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा पथरी की समस्या से भी प्याज निजात दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, खराब खान पान की वजह से गुर्दे में पथरी की समस्या आम सी बात है। जो लोग पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें प्याज के रस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्याज के रस में पथरी के दर्द से लड़ने की क्षमता होती है। रोजाना खाली पेट प्याज के रस का सेवन करने से पथरी का दर्द दूर होता है और पथरी पेशाब के रास्ते से खुद ब खुद बाहर निकल जाती है। दोस्तों, प्याज खून को शुद्ध करता है। जी हाँ दोस्तों, प्याज में फास्फोरिक एसिड होता है जो हमारे रक्त के लिए ब्लड प्योरीफायर का वर्क करता है। प्याज को पीसकर उसका लेप अपने पैरों के तलवे पर लगाकर सो जाएं। इससे फास्फोरिक एसिड आपकी धमनियों में प्रवेश करके रक्त से अशुद्धियों को दूर कर देता है। दोस्तों, सफेद बालों की समस्या को दूर करने में प्याज बेजोड़ होता है। कई लोगों के कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं। युवावस्था में ही बाल सफ़ेद हो जाने से आपकी पर्सनैलिटी खराब लगने लगती है। रोजाना रात को प्याज का रस बालों में लगाकर सोने से बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है और बाल भी फिर से निखर कर काले होने लगते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द को दूर करने में प्याज बहुत बेनिफिशियल होता है। घुटने, कंधे या शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द हो रहा हो तो प्याज के रस का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज के रस में दर्द निवारक क्षमता होती है। सरसों के तेल में थोड़ा प्याज का रस मिलाकर जोड़ों पर लगाने से दर्द खत्म हो जाता है और जोड़ मजबूत बनते हैं। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। प्याज में मौजूद विटामिन और अनेकों पोषक तत्व हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को की क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित रूप से प्याज का सेवन करने से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कच्चे प्याज का भोजन के रूप में, सलाद के रूप में जरूर सेवन करें। दोस्तों, यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। खराब जीवन शैली की वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम बात है। कोलेस्ट्रॉल दरअसल वसा का एक रूप होता है जो हमारी धमनियों में थक्के की तरह जम जाता है। इससे रक्त का संचरण प्रभावित होता है और रोगी को हार्ट अटैक आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर समय रहते कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल ना किया जाए तो यह जानलेवा बीमारी का रूप ले सकता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए रोजाना एक चम्मच प्याज के रस में हल्का सा शहद मिलाकर अगर पीते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। साथ ही छाछ पे प्याज काटकर मिलाएं और नमक व काली मिर्च डालकर सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है।
इसके अलावा कान के दर्द को दूर करने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे हों या बड़े, अक्सर कान में दर्द हो जाता है, तो इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने से अच्छा ऑप्शन है कि आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में केवल प्याज के रस की एक बूंद डालें और कान का दर्द दूर होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, दांतों के रोग से बचाने में भी प्याज बहुत बेनिफिशियल होता है। दांतों का सड़ना हो या मुंह से बदबू आना हो, ये सब आम समस्याएं होती हैं। रोजाना कच्चे प्याज का सेवन करने से मुंह के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। दांतों में कीड़ा लगना या फिर मसूड़ों में दर्द होना हो तो प्याज के रस का लेप लगा लें और भोजन के साथ कच्चा प्याज खाना शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों, यह इंसुलिन को बढ़ाता है। शुगर से पीड़ित रोगियों के शरीर में इंसुलिन बनने की क्षमता कम हो जाती है। प्याज का सेवन करने से पेनक्रियास की सेल्स में इंसुलिन का बनना शुरू हो जाता है, इसलिए शुगर के रोगियों को प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उनका ग्लूकोज लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। पित्त रोगों के इलाज में प्याज काफी बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, स्वदेशी के प्रणेता श्री राजीव दीक्षित भी कहते हैं कि प्याज यानी कि कांदे का सेवन करने से समस्त पित्त के रोग भी खत्म हो जाते हैं। कच्चा प्याज आपके पित्त को मजबूत बनाकर शरीर की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा कैंसर से लड़ने में भी ये मददगार होता है। प्याज का सेवन करने से कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। कच्चा प्याज कैंसर फैलाने वाली सेल्स को बढ़ने से रोकता है और नई सेल्स को बनने नहीं देता, और साथ ही कैंसर की मौजूदा सेल्स को भी खत्म करता है। ब्रेस्ट कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो या फिर लंग कैंसर हो आदि के मरीजों को भोजन में प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यह याददाश्त शक्ति को मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना प्याज का सेवन करने वाले व्यक्तियों की याददाश्त सामान्यतः तेज होती है। अपने बच्चों को बचपन से ही प्याज खिलाने की आदत डालें। कई बच्चों को प्याज खाना पसंद नहीं आता, लेकिन इसके फायदे देखकर हर किसी को प्याज जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी जुखाम की बीमारी को भी प्याज दूर कर सकता है। सर्दियों में अक्सर जुखाम या फिर सर्दी हो जाना एक आम बात होती है। हल्का बुखार, सर्दी या जुखाम या फिर कब्ज जैसी समस्या हो तो प्याज के रस में शहद मिलाकर इसका सेवन करने से सर्दी में काफी आराम देखने को मिलता है। दोस्तों, यह रक्त के प्रवाह को सुगम बनाता है। दोस्तों, शरीर में रक्त के माध्यम से ही हम ऑक्सीजन और एनर्जी का पूरे शरीर में प्रवाह हो पाता है। प्याज में मौजूद क्रोमियम तत्व हमारे रक्त का प्रवाह सुगम बनाने में मददगार करता है। इसके अलावा दोस्तों, त्वचा का कालापन दूर करने में भी प्याज काफ़ी हद तक सक्षम होता है। कच्चे प्याज का रस में थोड़ा सा नींबू मिलाकर अगर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे के काले धब्बे दूर हो जाते हैं। कम उम्र में अगर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हो तो त्वचा पर प्याज का लेप लगाने से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने एक कच्चे प्याज में कितने सारे गुणों के सम्मेलन से कितने सारे बेनिफिशियल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। आई होप कि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।